C-17 ग्लोब मास्टर 4 इंजन टी शेप्ड टेल वाला वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे हम दिन हो या रात कभी भी किसी भी हार्श टेरेन में मिलिट्री इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, सप्लाईज और ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके स्मॉल एयरफील्ड्स पर पहुंचा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इन C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर 3 लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे 1980s टू अर्ली 90s में मैकडॉनल्ड डगलस द्वारा बनाया गया फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। 1997 में बोइंग मर्ज हो गई विद मैकडॉनल्ड डगलस, पर इस मर्जर के बाद भी C-17 की मैन्युफैक्चरिंग चालू ही रही। C-17 को मेनली टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट मिशन के लिए यूज किया जाता है जिसके तहत ट्रूप्स और कार्गो को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को कुछ एडिशनल रोल्स जैसे मेडिकल इवैक्यूएशन और एयर ड्रॉप ड्यूटीज के लिए भी यूज किया जाता है। और अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो जून 2009 में IAF ने C-17 को सिलेक्ट किया था टू रिप्लेस सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड फॉर इट्स वेरी हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट। और इस एयरक्राफ्ट के ट्रायल्स के बाद फरवरी 2011 में IAF ने बोइंग को 10 C-17 का ऑर्डर दिया जिसमें 6 और C-17 परचेज करने का ऑप्शन शामिल था। और 2012 में इंडियन एयरफोर्स ने इन एडिशनल 6 C-17 को अपने 2017 टू 2022 के 5 ईयर प्लान के तहत खरीदने के अपने प्लान को फाइनल कर दिया था। पर ये ऑर्डर पूरा नहीं हो सका क्योंकि 2015 में बोइंग ने C-17 के प्रोडक्शन को बंद कर दिया था। इसके बावजूद जून 2017 में US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक C-17 के ऑर्डर को अप्रूवल दे दिया जिसकी डिलीवरी IAF को 2018 में कर दी गई थी। और इस तरह आज इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में टोटल 11 C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड हैं, और इन बीच को इंडियन एयरफोर्स की नंबर 81 स्क्वाड्रन स्काई लॉर्ड्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। IAF को पहला C-17 जैन 2013 में डिलीवर कर दिया गया था फॉर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस, जिसे 11 जून को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था। And on 2nd September 2013, the Skylord Squadron with 3 C-17s officially entered IAF service. अगर इस एयरक्राफ्ट के फीचर्स की बात करें तो ये मैक्सिमम 77,500 kg का पेलोड कैरी कर सकता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2,65,000 kg एंड इट्स क्रूज स्पीड इज 450 knots, दैट इज 830 किलोमीटर पर आवर। इस एयरक्राफ्ट को इस तरह से बनाया गया है ताकि इसमें से 102 पैराट्रूपर आराम से एयर ड्रॉप किए जा सकते हैं। और अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 54 साइड वॉल्स पर 48 सीट सेंट्रल लाइन पर लगाई जा सकती है। C-17 में एरियल रिफ्यूलिंग भी पॉसिबल है जिसके कारण इसको लॉन्ग हॉल हैवी लिफ्ट मिशंस के लिए भी आराम से यूज किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स इन C-17 को डाइवर्स टेरेन में ऑपरेट करती है जिसमें 13,000 फीट पर मौजूद हिमालयन एयरबेसेस, ले और थोएस से लेकर साउथ इंडिया में मौजूद एयरबेस भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स का ये वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट सियाचिन ग्लेशियर समेत दूसरे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट पर मौजूद सोल्जर्स के लिए लाइफलाइन है। IAF का C-17 ग्लोब मास्टर ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री क्राइसिस में हमेशा लाइफलाइन रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस हम सब ने COVID-19 पेंडेमिक के दौरान देख ली है। इस एयरक्राफ्ट को US और इंडियन एयरफोर्स के अलावा UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, कुवैत और कतार समेत कई देश की एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाता है। तो ये थी C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।